हेलो एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक वेलकम ऑल ऑन टॉपर स्टॉप. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इंग्लिश एंड पॉलिटी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो मुझे कह रहे हैं कि मैम कैसे कवर करें तो so देखिए जो आपके स्टैटिक पोशन के सोर्सेज हैं वो तो वही है कि बिपिन चंद्रा हो गया आपका या स्पेक्ट्रम हो गया लक्ष्मीकांत है या फिर संजीव वर्मा है इकोनॉमी की इंग्लिश के लिए जो है वो मैं ईच एंड एवरी चैप्टर यहाँ पे कवर करूँगी सोशल सिक्योरिटी वगैरह सारी चीज़ें तो अगर आप अपने सोर्सेज से पढ़ रहे हैं उसके अलावा आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो इस सीरीज़ में ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो कवर किया जाएगा तो आपको कोई भी डाउट है कि कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े तो आप वीडियोज़ को बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करके फॉलो कर सकते हैं आपका सारा सिलेबस इसमें कवर होगा और ओथेंट तो सोर्सेस से ही होगा तो इस वीडियो में आज हम इंग्लिश के वर्ब से शुरू करेंगे उसके साथ हम सिनोनिम्स के एमसीक्यू मतलब एक प्रैक्टिस सेट जो है वो पूरा डिस्कस करेंगे उसी के साथ जो वोकेबुलरी है एडियम एंड फ्रेजेस है और जो एरर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं मतलब जो क्वेश्चंस में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे एंड फिर पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फंडामेंटल राइट्स को भी डिस्कस करेंगे तो चलिए वीडियो को आज शुरू करते हैं तो देखिए वर्ब से शुरू करते हैं इंग्लिश से कि वर्ब होता क्या है तो एक सिंपल डेफिनेशन अगर मैं आप को वर्ब क्यों बताऊं तो कोई एक ऐसा वर्ड जो कि एक्शन को शो करता है मतलब मान लीजिए आपने कोई काम किया जैसे कि ये गर्ल को शो कर रखा है ये क्या कर रही है जंप कर रही है कूद रही है तो जो जंपिंग वर्ड हो गया ना ये क्या हो गया एक वर्ब हो गया क्योंकि ये एक काम को दर्शा रहा है वहीं पर द बेबी स्लीप तो स्लीप क्या एक काम है जो कि बच्चा कर रहा है सो रहा है और वहीं पे आ मैन ईट्स अ बर्गर तो एक आदमी क्या कर रहा है बर्गर को खा रहा है तो खा रहा है क्या हो गई आपकी वर्ब हो गई तो कोई ऐसा वर्ड जो एक्शन को शो करे उसे हम वर्ब्स कहते हैं अब जो वर्ब्स होती हैं वो दो तरीके की होती है मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब देखिए मेन वर्ब क्या होता है जो एक्शन हो रहा है जैसे कि आप यहीं पे देखिए ईट है तो ये जो ईट है ये क्या हो गई आपकी मेन वर्ब हो गई कि मतलब कि जो एक्शन किया जा रहा है और वहीं पे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो बता रहा होता है कि टाइम ऑफ द एक्शन क्या है मतलब कि किस टाइम पे किस सिचुएशन में जो है हो रही है मतलब कि उस एक्शन को करने में जो एक स्पेशली वर्ब हेल्प करती है उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं जब आप मेन वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब को मिला देते हैं मतलब कि एक या दो दो या दो से ज़्यादा वर्ब्स को मिला के जब कोई हम फ्रेज बनाते हैं सेंटेंस बनाते हैं तो उसको वर्ब फ्रेजेस कहा जाता है जैसे कि ये आपके सामने एक एग्जांपल है एक सेंटेंस आपके सामने वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स तो यहाँ पे हेल्प क्या हो गई हेल्प क्या कर रहे हैं हम एक काम कर रहे हैं एक एक्शन कर रहे हैं मदद कर रहे हैं तो वो आपका मेन वर्ब हो गया और शुड शुड मतलब कि हमें करनी चाहिए हमें अपने पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए तो ये क्या हो होगा हम एक ओब्लिगेशन कह रहे हैं कि आपको ये काम करना चाहिए तो शुड आपका क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और ये पूरा सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा वर्ब फ्रेज हो जाएगा शुड और ईट जो होगा ये आपका क्या हो गया वर्ब फ्रेज हो गया और ये पूरी आपकी स्टेटमेंट होगी तो आई होप आपको अभी तक एग्जाम्पल तक इतना सब कुछ समझ आया होगा अब जो है हम डिस्कस करते हैं कि वर्ब्स के जो हैं वो टाइप्स क्या होते हैं तो देखिए हेल्पिंग वर्ब की मैंने बात की आपको मेन वर्ब की मेन वर्ब आपको पता चल गया एक्शन अब जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है जिसके आगे फिर फर्दर टाइप्स होते हैं जिनको आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे तो देखिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या मतलब हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या बता रहा है एक एक्शन को बता रहा है जैसे कि एम हो गया इज आर वोज वर्ड तो ये क्या हो गया आपके ओग्जीरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ड तो सेंटेंसेस को एग्जाम्पल्स को एक बार देख लेते हैं आई एम सॉरी फॉर वट आई हैव डन तो यहाँ पे एम क्या हो गया कि मैं सॉरी हूँ तो एम क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब है फिर ही इज आ मतलब हम बता रहे हैं कि किस टाइम हो रहा है अभी प्रेजेंटली ये चीज़ हो रही है ही इज़ अ ग्रेट ऑल राउंड प्लेयर मतलब कि वो इस टाइम में प्रेजेंट टाइम में एक ऑलराउंड प्लेयर है, तो ये क्या हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई यू आर नेवर टू ओल्ड टू लर्न मतलब कि आप जो हैं कभी भी इतने ज़्यादा बूढ़े नहीं होते या इतने ज़्यादा एज्ड नहीं होते कि आप कुछ सीख ना पाए तो आर क्या हो गई आपकी ओग्लडी या फिर हेल्पिंग वर्क ही वॉज इलेक्टेड बाय अ अनेमस वोट तो मतलब कि वो पहले वोटिंग से सिलेक्ट हुआ था अभी नहीं हुआ है पास्ट की बात कर रहे तो टाइम बता रहा है द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद द बोल तो चिल्ड्रन जो हैं वो खेल रहे थे ना कि अभी खेल रहे हैं तो वर्ड से हमें पता चल गया कि ये जो एक्शन हुआ था ये पास्ट में हुआ था तो हेल्पिंग वर्ब आपको अब तक समझ आई अब जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है दो में एक है मोडाल वर्ब्स एंड सेकंड होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को मैं पहले आपको बता देती हूँ इसमें बेसिकली क्या होता है एक ऐसा वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम आ सके और मेन वर्ब की तरह भी काम आ सके उसको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं तो ये मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों की के तरीके से काम आएगा जैसे कि आप ये समझिए वट डू यू मीन बाई डैट ठीक है तो डू क्या हो गया एक हेल्पिंग वर्ब हो गया कि तुम्हारा क्या मतलब है इस बात से यहाँ पे हम प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह से हेल्पिंग वर्ब की तरह कर कर रहे हैं बट आई डू होमवर्क मतलब मैं काम करता हूँ तो क्या कर रहा है काम कर रहा है वो तो ये क्या हो गया आपका मेन वर्ब की तरीके से यूज हो गया वैसे ही हैव यू एवर बीन देयर मतलब कि क्या तुम वहाँ पे थे तो यहाँ पे हैव किस तरीके से यूज हुआ प्राइमरी ऑक्सिलरी से आई हैव अ गुड बुक मतलब हैव क्या मेरे पास है ठीक है तो मेन एक्शन क्या है कि पास है उसके वो उसका एक्शन है तो ये क्या हो गया मेन वर्ब हो गया वहीं पे आई एम स्टडिंग इंग्लिश नाउ डेज तो ये क्या हो गया प्राइमरी मैं सीख रहा हूँ आई एम अ स्टूडेंट एम मतलब मैं हूँ स्टूडेंट अपने बारे में वो बात कर रहा है अपना एक्शन बता रहा है तो ये क्या हो गया मेन वर्ब आपका हो गया तो एक ऐसा वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के तरीके से काम आए वो हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी अब हम डिस्कस करते हैं मोडाल वर्ब्स को जिसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज होने वाला है जो कि क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब का आपका एक टाइप हो गया तो देखिए जब हम किसी भी एबिलिटी की बात करते हैं कि वो पर्सन कुछ कर सकता है मैं कुछ कर सकता हूँ वे कुछ कर सकते हैं एबिलिटी की बात हो रही है तो हम कैन या कुड को यूज़ करते हैं कुड क्या हो गया आपका पास्ट फॉर्म में चला गया कैन जो है वो आपका प्रेजेंट फॉर्म में आ रहा है तो डेविड कैन स्पीक थ्री लैंग्वेज मतलब डेविड के अंदर ये एक एबिलिटी है कि वो तीन लैंग्वेजेस बोल सकता है ही कुड स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच वैन ही वॉज फाइव तो ये पास्ट की बात, बात हो रही है कि जब वो पाँच साल का था तब वो फ्रेंच लैंग्वेज जो था वो फ्लुएंटली बोला करता था तो यहाँ पे कैन की जगह क्या आ गया कुड आ गया क्योंकि पास सेंस में बात हो रहा है पर ये भी तो एबिलिटी है ना कि पाँच साल का बच्चा जो है वो फ्रेंच बोल रहा है और तीन लैंग्वेजेस बोल रहा है तो ये क्या हो गया आपकी एबिलिटी को दर्शाने के लिए क्या होता है कैन एंड कुड होता है वहीं पे अगर हम परमिशन की बात करते हैं कि हम किसी को परमिशन दे रहे हैं कि चलो ठीक है आप ये चीज़ कर लीजिए तो कैन कुड एंड मे तीन वर्ड्स यहाँ पे यूज़ होंगे जैसे कि परमिशन किसी से लेते हैं आप या फिर देते हैं तो कैन आई सिट इन डैट चेयर प्लीज़ कि क्या मैं इस कुर्सी पे बैठ सकता हूँ तो आप उनसे परमिशन ले रहे हैं कुड आई ओपन द विंडो कि क्या मैं विंडो को ओपन कर सकता हूँ मे आई बोरो डिक्शनरी मे जो होता है वो एक रिस्पेक्ट फॉर्म में बहुत ही मतलब आप काम फुली किसी से पीसफुली कोई चीज पूछ रहे हैं तो हम मे करते हैं कि क्या मैं आपकी डिक्शनरी को बोरो कर सकता हूं तो यहां पे क्या वर्ड आ जाएगा मे आ जाएगा मतलब परमिशन आ गई एक चीज और मैं बता दूं कि आप वर्ब पढ़ रहे हैं तो मे बी आपके दिमाग में है कि इसकी हमें क्या जरूरत है तो देखिए जो एरर रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे सेंटेंस अरेंजमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे आपको वर्ब्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको वर्ब्स की फॉर्म का नहीं पता होगा आपको हेल्पिंग वर्ब्स का नहीं पता होगा तो आप अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे इस वजह से ये रूल्स रेगुलेशन आपको करने ज़रूरी है और बीस क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश से तो आप ये देखिए बीस क्वेश्चन अगर आप सारे करेक्ट कराते हैं क्योंकि वहाँ पर तो बिल्कुल एक्यूरेट आपको मिलेंगे तो आप कितने सारे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एडवाइस की बात अगर हम करते हैं तो शुड मतलब कि हाँ तुम्हें चीज़ करनी चाहिए तो यहां गया? गया आप किसी को कर रहे जैसे तो आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि at least आपको दो साल दो, साल में एक बार जो है दो बार अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए यू शुड ट्राई टू लूज वेट तो आप किसी पर्सन को क्या कह हैं कि आप जो है आपको वेट लूज करना चाहिए तो यू शुड मतलब कि advice की एडवाइस की बात हो रही है ऑब्लिगेशन की बात करें कि आपको ये करना ही है मतलब कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ऑब्लिगेशन है ये आपके ऊपर तो मस्ट एंड हैव टू यूज होगा मस्ट एंड हैव टू का डिफरेंस मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आपको क्योंकि ये चीजें आपको डिटेल में बढ़नी है आई मस्ट मेमोराइज ऑल ऑफ दिस रूल्स अबाउट टेंसिस तो ये क्या है कि हाँ अगर मुझे पेपर में पास होना है तो मुझे ये टेंसिस के रूल मस्ट मेमोराइज मतलब मुझे करने ही करने हैं मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है यू हैव टू टेक ऑफ योर शूज बिफोर यू गेट इन द मस्क तो इन्होंने कहा है कि आप जब मस्जिद में जाते हैं तो आपको जूते अपने उतारने ही उतारने मतलब आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि आप करके ही मतलब शूज उतार के ही मस्जिद के अंदर जाएंगे उससे पहले नहीं जाएंगे फिर हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि आपको पता नहीं है बट शायद ये चीज आगे फ्यूचर में हो सकती है या आप कर सकते हैं तो पॉसिबिलिटी आ गई जैसे माइट मे कुड कैन ठीक है तो यहां पे इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव तो आपको चीज देखते हैं आपके यार अच्छी लग रही है बट शायद महंगी होगी तो यहाँ पे शायद क्या हो गया पॉसिबिलिटी होगी कि आपको पता नहीं है बट हो सकता है तो इट माइट ठीक है वहीं पे जो है रिचर्ड कूड मे बी कमिंग टू सी अस टुमारो तो मतलब आपको पता नहीं कि रिचर्ड जो है वो कल आएगा या नहीं आएगा बट आपको लगता है कि शायद वो आए तो आपका क्या हो गया यहाँ पे मे यूज हो गया स्पेसिफिकली मे माइट कुड कैन कैसे यूज होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे ठीक है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कर ली अब ये जो है मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है वर्ब फ्रेजेस का तो कुड क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया ईट खा रहा है तो वो मेन वर्ब हो गया और कुड ईट क्या हो गए वर्ब फ्रेजेस हो गए ऐसे ही माइट लिसन जो है वो क्या हो गया वर्ब फ्रेजेस कुड हैव जो है ये हो गया कुड हैव ईटन तो ये क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब ये होगी आपकी मेन वर्ब माइट हैव बिन लिसनिंग जो हो गया माइट हैव बिन लिसनिंग तो ये आपका वर्ब फ्रेजेस हो गया नेक्स्ट जो है अच्छा एक चीज और यहाँ पे मैंने जो है आ, मैंने सबको बताया भी था कि के डी कैम्पस की नीतू सिंह बुक है सोर्स इंग्लिश का जो पूछ रहे थे स्टूडेंट्स मेरे से से कि क्या से पढ़ना है तो देखिए क्या है कि बेसिकली अब डेली जैसे मैं चार से पांच वीडियो डालने का प्लान कर रही हूँ तो उसमें मैं हर चीज को अगर टाइप करूंगी तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा तो इस वजह से मैंने बुक्स का सीधा क्लिप डाला है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका कुछ भी मिस आउट हो इस चीज में मतलब कि अगर टाइपिंग में होगा कि थोड़ा बहुत मैं समराइज करूंगी बट वो चीज मैं नहीं चाहती हूँ टाइम भी उसमें कंज्यूमिंग है इस वजह से मैंने जो क्लिप्स डाली है उनको आप अच्छे से कीजिएगा तो देखिए यहां पे बेसिकली जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं मतलब जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ रूल्स हैं ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले कहा है कि जो मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो कभी भी मेन वर्ब के साथ यूज़ नहीं होती है वो हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होते हैं मतलब कि जो आप हेल्पिंग मोडाल के अंदर जो वर्ड्स यूज होते हैं जैसे कैन कूड मे माइट होता है वो कभी भी जो है वो मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं होंगे वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज़ होंगे जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स तो लिफ्ट क्या है मेन मतलब वो मतलब उठा रहा है वो एक्शन है तो कैन जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तरीके काम आएगा ये नहीं होगा आई कैन दिस बुक्स कोई स्टेटमेंट नहीं हुई तो कैन जो है वो कभी भी हेल्प मेन वर्ब में नहीं आएगा वही ही शुड वर्क हार्ड तो वर्क क्या कर रहा है एक एक्शन कर रहा है शुड क्या है कि एक हेल्पिंग वर्ब है ही शुड हार्ड ये तो कोई स्टेटमेंट नहीं हुई तो इस तरीके से आप इस चीज को समझेंगे सेकंड रूल है मोडाल ऑक्री मतलब वर्ब्स की तीनों फॉर्म के साथ आई एनजी और एस सी एस देयर फॉर्म्स डू नॉट चेंज विद सब्जेक्ट पर्सन ऑन नंबर तो इसमें स्पेशली कहा है कि वी वन वी टू थ्री के साथ जब मोडाल को आप यूज कर रहे हैं पहली बात तो आप आई एन जी और एस सी एस फॉर्म के साथ इनको यूज नहीं करेंगे तो मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसका नंबर नहीं बढ़ेगा मतलब कि अगर मान लीजिए कि वी टू और वी थ्री है एस ई एस लगा है आई एन जी लिखा है तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसकी वही फॉर्म रहेगी उसका नंबर जो है वो इंक्रीज नहीं होगा शी कैन हेल्प यू यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स तो यहाँ पे फ्रेंड्स आ रहा है अंडरस्टैंड आ रहा है तो यहाँ पे शुड ही रहेगा शुड्स नहीं होगा कैंस नहीं होगा ये वाली चीज़ यहाँ पे दी हुई है रूल थ्री इज ओट एंड यूज इज ऑलवेज फॉलोड बाई इन्फिनेटिव टू प्लस बेस होम ऑफ वर्ब तो यहाँ पे क्या है कि अगर कभी भी वर्ब की जो बेस होम है उसके आगे टू लिखा होगा तो आप हमेशा टू से पहले ओथ या फिर यूज करेंगे जैसे कि रिस्पेक्ट की बात आ रही है रिस्पेक्ट क्या हो गया बेस होम ऑफ वर्ब हो गया उसके आगे क्या है टू रिस्पेक्ट तो टू के आगे जो है वी ओथ टू रिस्पेक्ट आवर बेन्ड्स मतलब कि ओट मतलब हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए वही ही यूज़ टू कम लेट मतलब कि उसकी तो आदत है लेट आने की तो यूज़ टू मतलब वो आदत पड़ चुका है उस चीज़ की यूज़ टू कम्लीट हो गया तो टू आ रहा है तो यहाँ पे क्या वर्ड आया यूज़ तो ये आपको देखना है कि ओथ कहाँ पर यूज़ करना है और यूज़ कहाँ पे करना है ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम दोबारा कि जो हम मोडॉल वर्ब्स की बात कर रहे थे कैन कुड की उनमें क्या डिफरेंस है तो देखिए कैन जो है वो यूज होता है जब हम किसी पर्सन की जनरल एबिलिटी की बात करें प्रेजेंट में आई कैन स्पीक इंग्लिश मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ तो वो क्या हो गया आपकी जनरल एबिलिटी हो गई पर वो कब अभी इसी टाइम में प्रेजेंट में बात हो रही है जनरल एबिलिटी इन पास्ट की बात करते तो वहाँ पे कुड यूज होता है आई कुड प्ले द पियानो वेन आई वॉज यंगर तो जब मैं बच्चा था यंगर था तो तब मैं पियानो बजाया करता था तो वो मेरी एबिलिटी कब थी पास्ट की थी वहीं पे अगर हमें इनफॉर्मल वे में मतलब जैसे आप अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं आज फॉर परमिशन मतलब फॉर्मेलिटी करनी है कि यार इससे क्या पूछना है इनफॉर्मल वे में कैन आई बोरो पेन प्लीज मतलब कि आप बस एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं उससे परमिशन लेने की इनफॉर्मल वे में तो आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे कैन यूज करेंगे बट अगर आप पोलाइट वे में बहुत ईजिली किसी से परमिशन लेते हैं कुड आई यूज योर बाथरूम प्लीज मतलब तो आप इजिली उनसे पूछें कि क्या मैं आपका बाथरूम यूज़ कर सकता हूँ तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे कुड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे टू Request something. अगर आपको request करने, can you help me, please? तो आप क्या करेंगे can use करेंगे पोलाइट वे में आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा कुड आएगा कुड यू पास मी डेट सोल्ट प्लीज तो आप क्या वो नमक मुझे पास करेंगे ये हो गया आपका पोलाइट वे हो गया और कैन यू हेल्प मी प्लीज तो ये क्या हो गया आपका एक नॉर्मल हेल्प हो गई रिक्वेस्ट हो गई फिर पॉसिबिलिटी के ऊपर आते हैं इट कैन गेट वेरी कोल्ड दियर एट नाइट तो पॉसिबिलिटी है कि शायद वहाँ जाए हम वो ठंड पड़ जाए रात को ठंड हो सकती है पॉसिबिलिटी इन द पास्ट अगर हम बात करें कि पास्ट में कोई पॉसिबिलिटी हुई होगी जैसे कि हमें पता है कि हाँ जो हैं वो एक्सटिंक हो गए शायद इस वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से हुए होंगे तो हम क्या करेंगे वहां पे कुड को यूज करेंगे वोट यू कुड हैव ब्रोकन यूर लैक मतलब क्या तुमने अपनी टांग तोड़ ली तो ये क्या होगा पॉसिबिलिटी पास्ट में तोड़ी क्या तुमने टांग अपनी तो कुड प्लस हैव प्लस पार्ट पार्टिसिपल जो होगा वो यहाँ पे यूज होगा अगर हम कभी भी पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं ऑफर टू हेल्प सम तो अगर हम किसी की हेल्प करने को ऑफर कर रहे कि क्या मैं आपकी हेल्प कर दू तो आप क्या कहेंगे कैन आई कैरी यूर बैग्स फॉर यू क्या मैं आपके बैग्स को आपके लिए उठा सकता हूँ तो ये क्या हो गया हम किसी को ऑफर कर रहे हैं वहीं पे अगर हम सजेशंस की बात कर रहे हैं वेन आस्क वट टू डू अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या करना चाहिए तो वी कुड गो टू द मूवीज़ इफ़ यू लाइक तो आप किसी और को बता रहे हैं सजेशन दे रहे हैं कि अगर आप चाहें तो हम मूवी के लिए जा सकते हैं तो ये क्या हो गया आपका कुड यूज़ हो गया वेन आस्क जब आपसे कोई पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए नेक्स्ट इज कैन नॉट कांट नोट अलाउड तो कैन नोट कहाँ पर यूज़ होगा यू कैन नॉट स्मोक इन दिस रूम मतलब कि आप इस रूम में अभी स्मोक नहीं कर सकते हैं यू कॉन्ट गो टू द पार्टी आप अभी पार्टी में नहीं जा सकते तो ये कैन नॉट हो गया कंडीशन ऑफ कैन वुड बी एबल टू क्या होगा यहां पे मतलब conditionals ऑफ कैन जो होगा If we had some organ, I could make you some fresh oranges. Sorry, uh, if we had some oranges, I could make you some fresh juice. तो मतलब उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास कुछ oranges है, तो मैं आपको कुछ fresh juice बना के दे दूंगा मतलब कि आपके पास capability है, you would be able to make juice. तो यहाँ पे क्या हो गया? Conditional of can या could आ okay? गया, ठीक है? Next discuss करते हैं may और might को so, कहाँ पे use होता है? तो देखिए मे एंड माइट जो होता है वो पॉसिबिलिटी में जब हम कर रहे हैं कि इट माइट रेन लेटर सो टेक एन एम्बरेला तो इन्होंने कहा कि शायद जो है बारिश हो सकती है तो आप एक छाता ले लीजिए बट यहाँ पे जो है वो किस तरीके से यूज़ होगा देखिए मे और माइट जो है वो नॉर्मली इंटरचेंज हो सकते विदाउट अ सिग्निफिकेंट डिफ्रेंस इन मीनिंग मतलब आप मे या माइट दोनों को यूज़ कर सकते हैं बट देखिये माइट जो होता है वो तब यूज़ होता है जब बहुत सा छोटा सा चांस होता है कि मतलब आपको बहुत कम पॉसिबिलिटी लग रही है किसी चीज़ की तो उसमें हम माइट को यूज़ करेंगे और मे जो है वो जब ज्यादा चांसेस है ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो इट मे रेन मतलब कि आप ज्यादा पॉसिबिलिटी से कह सकते हैं कि यार तेज बारिश हो सकती है लेज़ा तो वो क्या हो गया 70 परसेंट चांस हो गया शायद बारिश हो जाएगी यार लेज़ा चाहता तो ये क्या हो गया इट माइट रेन 40 परसेंट चांसेस हो गए ठीक है फिर वेन एक्सप्रेसिंग विशेष और गिविंग परमिशन ओनली मे इज यूज तो जब आप अपनी विश एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैं शायद इस पेपर मैं काश इस पेपर में सिलेक्ट हो जाऊं तो ये क्या होगी आपकी विश है गिविंग परमिशन ठीक है यार तू हो जाएगा गिविंग परमिशन हो रहा है या फिर तू ये मेरी बुक ले ले इससे हो जाएगा पढ़ लेगा तो तो ओनली मे इज यूज इस दिस टाइम ठीक है तो गिव परमिशन के टाइम में यू मे हैव अनदर कुकी इफ़ यू लाइक तो मतलब कि वो कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि उसके पास दोबारा दूसरी कुकी होगी इस वजह से आप इसको खा सकते हैं आस्क फॉर परमिशन में आई बोरो पैन प्लीज एक्सप्रेस विशेष वही मे द न्यू ईयर ब्रिंग यू हैप्पीनेस मतलब आप पॉसिबल कर रहे हैं कि नया साल आपके लिए खुशियां लेके आएगा स्पेक्युलेट अबाउट द पास्ट एक्शन शी इज लेट शी मे हैव मिस अ प्लेन तो मतलब आप पास्ट एक्शन के लिए भी अगर यूज़ करेंगे तो आप मे करेंगे कि यार वो लेट हो गया है शायद उसकी जो फ्लाइट है वो मिस हो गई थी तो वहाँ पर क्या आप यूज़ करेंगे मे वर्ड यूज़ करेंगे नेक्स्ट आता है मस्ट एंड हैव टू में क्या डिफरेंस होता है एक तो देखिए मस्ट और हैव टू दोनों ही ओब्लीगेशन दिखा रहे हैं कि आपको ये करना ही करना है तो क्या सीनारी होगा जिसमें आप मस्ट को यूज करेंगे और किस में आप हैव टू को करेंगे तो देखिए द स्पीकर थिंग्स इट इज़ नेसेसरी जब स्पीकर को लगता है कि हाँ ये नेसेसरी है वो अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा है या फिर रिटर्न रूल्स और इंस्ट्रक्शन है मतलब जैसे आप मोस्क में जाते हैं तो वहाँ पे रिटर्न फॉर्म में लिखा है कि या फिर आप मंदिर में जाते हैं हम रिटर्न फॉर्म में लिखा है कि आपको अपने जूते उतार के आने हैं ठीक है पर्सनल ओपिनियन है आपका कि नहीं यार हम भगवान के घर जा रहे हैं तो हमें जो है अपने जूते उतार के जाने चाहिए और स्पीकर जो है उसको लगता है कि हाँ ये नेसेसरी है हमें पढ़ना जरूरी है हमें सुबह उठ के पढ़ना ज़रूरी है तभी हमारी रिविजन हो जाएगी तो स्पीकर को क्या लगता है वो नेसेसरी लगता है हैव टू क्या होता है अनदर पर्सन थिंक इट इज़ नेसेसरी मतलब कि मुझे नहीं लग रहा है कि सुबह उठ के पढ़ना जरूरी है पर जैसे कि दूसरा पर्सन है वो मुझे आके कह रहा है कि मैम आपको सुबह उठ के पढ़ना ज़रूरी है तो वो उसकी नेसेसट्री है वो उसकी थिंकिंग है ठीक है एक्सटर्नल ऑब्लीगेशन है मतलब आपको करने का मन नहीं है पर बाहर से आपके ऊपर दबाव आ रहा है कि ये करना ही है तुझे ठीक है तो ये क्या हो गया एक्सटर्नल ऑब्लीगेशन हो गया फैक्ट्स हैं कोई मतलब कोई ऐसा फैक्ट है कि जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते जैसे सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है तो ये फैक्ट है ठीक है तो यहाँ पर कोई ओपिनियन नहीं है तो आप किसको यूज करेंगे हैव को यूज करेंगे अब आप इसको कैसे देखेंगे देखिए फर्स्ट है कि द टीचर इज गिविंग द स्टूडेंट एन ऑब्लिगेशन और इंस्ट्रक्शन अगर कोई टीचर जो है वो किसी दूसरी टीचर को जो है वो दे रही है टीचर यू मस्ट कंप्लीट द ऐसे बाय फ्राइडे ठीक है स्टूडेंट वी हैव टू कंप्लीट द एस ए बाई फ्राइडे मतलब हमारे ऊपर स्टूडेंट जो है वो क्या कहेगा कि भाई हमें तो ऐसे फ्राइडे तक कंप्लीट करना ही करना है और टीचर कह रही है कि बेटा आपको फ्राइडे तक ऐसे कंप्लीट करना है तो मस्ट एंड हैव टू का ये डिफरेंस हो गया ठीक है फिर जो है सेकेंड चीज़ आती है वी यूज़ हैड टू इंस्टीड ऑफ मस्ट इन द पास्ट टेंसेज और जब हम पास्ट टेंसेज की बात करते हैं तो हम मस्ट की जगह क्या यूज़ करेंगे हैड

नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि मस्ट नोट एंड डोंट हैव टू में क्या डिफरेंस होता है कब कब हम उसको यूज़ करेंगे ठीक है तो मस्ट नोट जो होता है इट इज़ प्रोहिबिटेड इट इज़ नोट अलाउड मतलब कि वो प्रोहिबिटेड है ये अलाउड नहीं है तो वहां पे क्या यूज़ होगा मस्ट नोट होगा इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट डू समथिंग मतलब कि जब आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाए कि आपको ये करना ही नहीं है ये प्रोहिबिटेड है तो हम मस्ट नोट को यूज़ करेंगे एंड डोंट हैव टू को हम यूज़ करेंगे कि कोई ऑब्लीगेशन नहीं है बट आप मत करो ठीक है तो यहाँ पे क्या हो गया डोंट हैव टू आ गया यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू समथिंग स्पेशली इफ यू डोंट वॉन्ट टू तो अगर तुम्हें नहीं करने का मन है तो तुम मत करो तो वहां पे क्या होगा डोंट हैव टू आ जाएगा एग्जाम्पल देखते हैं मस्ट नोट का यू मस्ट नोट ड्रिंक डेट इट इज फॉरबिडन टू ड्रिंक डेट तो मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए कोई पॉइजन फिल्ड वोटर है तो आपको ऑब्लिगेशन है कि नहीं आपको ये पीना नहीं है वरना आपकी डेथ हो जाएगी तो इट इज़ फॉरबिडन टू ड्रिंक डेट डोंट ड्रिंक डेट इट इज नॉट अलाउड मतलब कि कहीं पे कोई है पवित्र पानी है तो आप कहेंगे कि इसको मत पियो वो अलाउड नहीं है ठीक है वहीं पे डोंट हैव टू में क्या होगा यू डोंट हैव टू ड्रिंक डैट यू डोंट नीड टू ड्रिंक डेट बट यू कैन इफ यू वॉन्ट देखिए वैसे आपको ये पीना तो नहीं चाहिए बट ठीक

तो देखिए जब हमें कोई प्रिडिक्शन करनी होती है हम सोच रहे कि अच्छा ये हो सकता है क्या प्रिडिक्ट करना होता है हमें कोई फ्यूचर का फैक्ट बताना है देखियो आज जो हम पढ़ेंगे ना हार्ड वर्क करेंगे तो सिक्स मंथ्स बाद जब हमारा ईपीएफओ का रिजल्ट आएगा तो हम मेरिट लिस्ट में होंगे तो ये क्या है आप एक फैक्ट बता रहे हैं कि आज मेहनत करेंगे तो कल को ये रिजल्ट जरूर निकल के आएगा तो ये क्या हो गया आपका फ्यूचर का फैक्ट हो गया तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे शेल यूज करेंगे जब आप डिटर्मिनेशन और डिजायर की बात कर रहे हैं वहीं पे विल का आप कब कर यूज करेंगे मतलब शैल और विल जो है वो दोनों का बट यहां पर आ जाएगा कि जो विल है वो आपका फर्स्ट पर्सन ऑफ फॉर्म के साथ आएगा और वहीं पर से थर्ड पर्सन प्रोनाउंस नेक्स्ट देखते हैं विल और शेल के बीच में तो विल जो हुआ वो सॉरी विल जो था वो आपका सेकेंड एंड थर्ड पर्सन फॉर्म के साथ होगा और शेल जो है वो हमेशा आपका फर्स्ट पर्सन ऑफ फॉर्म के साथ होगा फर्स्ट पर्सन फॉर्म जो है विल यूज होगा जब वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखा दिखा रहा है और शेल जो होगा वो सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ यूज होगा जब वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यहां पे आपको दिखा रहा है शेल के हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो देखिए जो शेल है वो बेसिकली अभी नाउ डेज इतना ज्यादा यूज नहीं होता है बट फिर भी फॉर्मल स्पीच और जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें विल की जगह शेल का ही अभी भी यूज होता है ठीक है तो जो मोस्ट कॉमन यूज ऑफ शेल इन इंग्लिश होता है वो होता है शेल आई शेल वी ठीक है तो यहाँ पे ओरिजिनली जो है विल की जगह शेल ही यूज़ हुआ करता था बट अब विल जो है उसने इसको ले लिया है ठीक है जगह ले लिया है इसकी तो यूज ऑफ शेल को देखते हैं जब हम सजेशनस देते हैं किसी को शेल आई गेट अ पिजा फॉर डिनर टू नाइट

इंस्ट्रक्शन मांग रहे हैं दे रहे हैं या मांग रहे हैं इंस्ट्रक्शन कि मैं क्या करूं जब मेल मेरे पास आएगा मतलब आप उनसे पूछ रहे आगे क्या काम करना आपको प्रॉमिसेज यू शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू नो मतलब कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो यू आर द फर्स्ट पर्सन यू शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू नो मतलब कि आपको सबसे पहले बताया जाएगा कन्फर्मेशन मतलब कि आप कन्फर्म कर रहे हैं आई शेल मीट टू देयर एट सैन मतलब सात बजे मैं आपको वहाँ पर कन्फर्म मिलूंगा ही मिलूंगा तो ये क्या हो गए आपके यूज़ ऑफ शैल हो गए ठीक है उसके साथ अगर सजेशन और इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो मोडाल वर्ब्स में शैल को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं शुड से रिप्लेस कर सकते हैं ऑफ़र की बात आ रही है जब तो आप कैन एंड कुड से शैल को रिप्लेस कर सकते हैं और प्रोमिसज और कन्फर्मेशन की बात आती है तो आप विल से शैल को रिप्लेस कर सकते हैं विल वर्सेज गोइंग टू के बीच में क्या डिफरेंस होता है देखिए विल जो होता है वो तब होता है जब हम एकदम से कोई रैपिड डिसीजन लेते हैं एकदम से डिसीजन लेते हैं आई एम थ्रस्टी आई थिंक आई विल अ ड्रिंक मुझे प्यास लगे और मुझे अभी पानी खरीद लेना चाहिए ठीक है तो ये क्या हो गया आपका रैपिड डिसीजन है ऑफर कर रहे है हैं हम किसी को डेट विल हैप यू विद इट प्रमिस कर रहे हैं डोंट वरी आई वोंट टेल एनी वन ठीक है तो वोंट क्या हो गया विल का हो गया आपका वोंट मतलब कि आप नहीं बताएंगे थ्रेट हो गया इफ यू डोंट स्लीप आई विल टेल यूर मदर आप किसी बच्चे को कह रहे हैं कि सोएगा नहीं तो मैं मम्मी को बता दूंगा तेरी तो ये क्या हो गया आप उसको थ्रेट दे रहे उसकी तरफ से हो गया ठीक है वहीं पे गोइंग टू जो है वो कहाँ पे यूज होगा जब आपका कोई प्रायर प्लान है मतलब आप पहले से ही आपने कुछ प्लान कर रखा है और उसको अब आगे जाके आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं द डिसीजन वॉज मेड बिफोर द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग तो डिसीजन जो है वो मोमेंट ऑफ स्पीकिंग से पहले लेना चाहिए आई एम गोइंग टू द बीच नेक्स्ट वीकेंड माई विद माई फ्रेंड्स तो मतलब कि आपका पहले से ही वो प्लान है एविडेंस और साइन की बात आ जाती है वेन देर आर साइंस डेट समथिंग इज लाइकली टू हैपन मतलब कि आपको पता है कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है माई स्टमक हर्ट्स आर लोड एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू थ्रो अप ठीक है इट्स सेवेंटी जीरो दे आर गोइंग टू विन मतलब कि इतना स्कोर हो चुका है और वो जीतेंगे ही जीतेंगे तो ये गोइंग टू हो गया ठीक है ये सारे वही एग्जाम्पल्स हैं मैं इन सबको एक्सप्लेन करती रहूँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी ठीक है अब हम आते हैं बेसिकली ये वाली जो चीज़ें हैं ये मैं आपको बस अभी बता रही हूँ इसमें मतलब कि वीडियो में बस एक बार आपको क्लिप्स दिखा रही हूँ ये मैं अभी की अभी जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट करूँगी तो आप वहाँ पर जाके इसको देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक जो न्यू है उनको बता दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा आपको ये जो ईडियम एंड फ्रेजिज हैं जो वोकेबलरी और जो Confusing वर्ड्स मैं पोस्ट पोस्ट करूंगी वहाँ पे तो देखिए मैं डेली एक पेज वहाँ पे पोस्ट करूंगी जैसे कि एक पे, पेज में क्या है ट्वेंटी टू है ठीक है तो आपको अगर ट्वेंटी टू है तो एटलीस्ट इलेवन तो एक दिन में याद करने ही करने हैं और जब रोज सुबह आप उठ के या जिस टाइम भी आप पढ़ने बैठते हैं उस टाइम आपको एक बार ये रिवाइज करना है ताकि आपको आसानी हो सके हिंदी और इंग्लिश दोनों में है तो दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये आसानी रहेगी अभी इतना सारा एक्सप्लेन करने का फायदा नहीं है क्योंकि हमें आज एक प्रैक्टिस सेट भी सिनोनिम्स का करना ये सारा मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूँगी ठीक है ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताया ये भी मैं वहाँ पे पोस्ट करूँगी तो आप इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कहीं और से डिजिटल फॉर्म में मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका कुछ भी स्किप हो ये जो बुक है आपको बिल्कुल पी लेनी है घोट के तभी आपका इंग्लिश का पेपर जो है वो क्लियर हो सकता है ठीक है तो ये सारे जो है ये फिर आपकी आ जाती है अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के ऊपर ठीक है इसको आप मेरे साथ साथ जो है वो सोल्व करते जाएंगे ताकि आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकें सबसे पहले शुरू करते हैं सिनोनिम्स को आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट आपको वर्ड दिया गया है इबल तो इबल जो है उसका आपको सिनोनिम यहाँ पे बताना है क्या फिनोमिना रहेगा कि अभी मैं एक बार ये बोलूंगी क्वेश्चन फिर एक मिनट के लिए आप वीडियो को पोस्ट करेंगे और फिर आप इसे आंसर करेंगे तो इोकेबल जो है उसके सिनोनिम्स यहाँ पे दिए गए हैं ए इज चेंज बी इज़ डन सी इज़ अनओल्ट्रेबल एंड डी इज़ रिवर्सिबल तो एक बार वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसे अटैम्प्ट कीजिए ओके डन तो देखिए इरवोकेबल का मतलब होता है अनओल्टरेबल मतलब जिसको कि बदला नहीं जा सकता ऑल्टर नहीं किया जा सकता कोई बदलाव उसके अंदर नहीं लाया जा सकता तो इरवोकेबल का क्या हो जाएगा आपका अनओल्ट्रेबल हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं एडोन ए है ट्रस्ट बी है राइटर सी इज सस्पेक्ट एंड डी इज ब्यूटिफाई तो एडोन का अब आप सिनोनिम बताएंगे ओके okay, डन तो देखिए एडोन जो है उसका है ब्यूटीफाई मतलब कि हम कहते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हमें उसकी ब्यूटी को एडोन करना चाहिए तारीफ करनी चाहिए तो यहाँ पे क्या हो गया ब्यूटीफाई के लिए जो है सिनोनिम यूज होता है एडोन होता है फिर आता है रिपोज रिपोज का फर्स्ट है ए प्लेस बी है कीप सी है रेस्ट एंड डी इज रिप्लेस तो वीडियो को पोस्ट कीजिए और इससे अटेम्प्ट कीजिए ओके okay, डन तो देखिए जो है उसका बेसिकली जो सिनोनिम होगा वो होगा रेस्ट रेस्ट करने को आप क्या कहते है? Repose, तो एक बार इसे अटैम्प कीजिए ओके डन तो यहाँ पे डिस्टरबेंस जो होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कोमोशन का मतलब ये उसका सिनोनिम है नेक्स्ट आते हैं डोसाइल पे डोसाइल का है सबमिसिव बी इज स्टोन

ओके okay, डन तो थॉटफुल मतलब आप जब अपनी सोचने समझने की शक्ति से थॉट्स के साथ किसी चीज़ को करते हैं तो आपका क्या नेचर हो जाता है कंसिडरेट या फिर थॉटफुल हो जाता है नेक्स्ट इज इरोसिलेट आ गया आपका ए है अनडिसाइडेड बी इज एंग्री सी इग्नोरेंट एंड डी इज फॉर्म तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए ओके okay, डन तो देखिए अनडिसाइडेड जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं इरोसुलेट को मतलब जब कोई भी चीज़ आपके लिए अनडिसाइडेड होती है आप उसको तय नहीं कर पाते तो आप क्या वर्ड यूज करते हैं इरोसुलेट या फिर अनडिसाइडेड नेक्स्ट आता है फ्रूगल तो फ्रूगल का मतलब ए है इकोनॉमिकल बी है मिजरली सी है स्प्रेंडेड एंड डी इज हंगरी तो एक बार इसे अटैम्प कीजिए ओके okay, डन तो देखिए मिजरली मतलब कि जब आपके लिए बहुत ज़्यादा मिजरी हो जाती है मतलब बहुत ख़राब सिचुएशन हो जाती है तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं फ्रूगल या फिर मिजर्ली ठीक है नेक्स्ट आते हैं रिस्ट्रिक्ट के बारे में बहुत सिंपल है ये ए इज़ कटेल बी इज़ प्रोहिबिट सी इज रिटेन एंड डी इज डिटेल तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए रिटर्न तो देखिए रिस्ट्रिक्ट करना मतलब किसी चीज़ को रोकना तो उसका वर्ड क्या हो गया सिनोनिम प्रोहिबिट नेक्स्ट इज एंटीसिपेट एंटीसिपेट का ए है एंटागोनिस बी है एक्सपेक्ट सी इज एक्सेप्ट एंड डी इज होप तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए हो गया तो देखिए एंटीसिपेट का मतलब होता है एक्सपेक्ट आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप किसी से एंटीसिपेट कर रहे हैं मतलब उम्मीद कर रहे हैं किसी चीज की तो उसके लिए एंटीसिपेट या एक्सपेक्ट वर्ड को यूज करेंगे नेक्स्ट इज ट्रमेंडस इसके लिए है ए एसम बी टेरिबल सी इज कंसिडरेबल एंड डी इज एक्सेसिव तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए डन okay, तो ट्रेमेंडस मतलब बहुत सारा एक्सेसिव तो ये क्या हो गया आपका डी सीरोम एक्सेसिव नेक्स्ट इज मेटिकुलस मेटिकुलस का ए है करेक्ट बी है क्लीन सी इज मेथोडिकल एंड डी इज पेन स्टोकिंग एक बार इसे अटैम्प कीजिए ओके okay, डन तो देखिए पेन स्टोकिंग जो होता है उसके लिए हम वर्ड यूज क्या करते हैं मेटिकुलस यूज करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ प्रैक्टिस पे आ जाते हैं फर्स्ट है नर्चर का आपको सिनोनियम बताना है तो नर्चर का मतलब होता है टू एंकरेज बी इज टू ग्रो सी इज टू सी एंड डी इज टू मेंटेन तो ये बहुत सिंपल इसको अटैम्प्ट कीजिए ओके okay, डन तो देखिए किसी को नर्चर करना मतलब किसी का पालन पोषण करना तो पालन पोषण से क्या होती है ग्रोथ होती है तो बी इसका सिनोनिम क्या हो गया टू ग्रो सिक्स भी बहुत सिंपल है डिनाई का आपको बताना है ए इज रिगेन बी इज रिफ्यूज सी इज रिपेयर एंड डी इज रिड्यूस तो एक बार इसे अटैम्प कीजिए ओके okay, डन तो देखिए डिनाई करना मतलब किसी को मना करना और मना करने का क्या होता है रिफ्यूज फिर आता है एब्यूज एब्यूज का देखते हैं ए इज यूज बी इज प्रेस सी इज कोन एंड डी इज रेस तो एक बार इसे अटैम्प कीजिए ओके okay डन तो एब्यूज करना मतलब होता है किसी को बुरा भला कहना किसी चीज किसी के साथ कुछ गलत करना तो इसका मतलब सिनोनिम हो गया स्कोर्न हो गया प्रेस का मतलब तारीफ प्रेज मतलब ऊपर उठाना यूज मतलब कि किसी चीज का इस्तेमाल करना ट्वेल्व को देखते हैं मोटिव के बारे में तो ए इज रीजन बी इज ओकेजन सी इज इंटेंशन एंड डी इज प्रिपरेशन तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए ओके okay, डन तो देखिए मोटिव क्या होता है किसी की क्या इच्छा है क्या एम है तो उसका क्या हो गया इंटेंशन हो गया मतलब कि अंदर की उसकी क्या इच्छा हो गई है फिर थर्टीन पे आते हैं पीटी पे ए इज ऑफेंस बी इज मर्सी सी इज काइंडनेस एंड डी इज चो ये भी बहुत सिंपल इसे अटैम्प्ट कीजिए ओके okay, डन तो, तो मतलब हम बोलते हैं ना किसी को कि इसके बहुत मतलब बुरे हालात है तो उसमें क्या हो जाता है मर्सी मतलब कि उसकी बुरी सिचुएशन है तो आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा मर्सी हो जाएगा नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्च को तो ए है क्वेश्चन बी इज प्लेश सी इज रिजेक्ट एंड डी इज स्लैश तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए हो गया तो देखिए क्वेस्ट जो होता है उसका मतलब होता है रिजेक्ट करना मतलब किसी चीज़ को मना कर देना आ, हिंदी में आ, मना कर देना और आई थिंक उसको परमिशन नहीं देना मतलब कि गलत कर देना वो हो गया रिजेक्ट ठीक है अबंडेंट जो है उसके लिए है ए सफिशियंट बी इज़ प्लेंटिफुल सी इज सिग्निफिकेंट एंड डी इज वाइब्रेंट तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए

डन तो चेंज का मतलब होता है किसी में बदलाव करना मतलब ए क्या हो गया आपका ओल्टर करना ठीक है इसी के साथ ये वाला भी जो पेज है मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी इसको आप वहाँ से याद करेंगे अब हम फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्योंकि इंग्लिश आज हमारी बहुत लंबी हो गई है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसको मैं कल पूरी तरीके से कवर करूँगी तो हमारे देखिए पार्ट थ्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है फर्स्ट फैक्ट आपका प्रीलियम्स का इंपॉर्टेंट ठीक है ई के लिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए थे ताकि जो है असेंशियल है क्योंकि मतलब इनको बेसिकली असेंशियल बोला गया कि अगर किसी पर्सनैलिटी की किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट की बात करते हैं हम ताकि उसके जो ह्यूमन डिग्निटी है उसको भी प्रिजर्व किया जा सके उसके लिए फंडामेंटल राइट्स बेसिकली बनाए गए थे ठीक है तो सभी जो सिटीजन्स है इंडिया के ये डिपेंड नहीं करता कि वो किस रेस के रिलीजन के कास्ट के या सेक्स के हैं उनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे परमिशन है जाने की अगर उनके फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट नहीं होती है तो तो सभी सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने का दिया गया है इस वजह से इनको क्या कहते हैं एनफोर्सेबल राइट्स कहते हैं और जस्टिसेबल इन नेचर कहते हैं जस्टिसेबल का क्या मतलब होता है कि जिस चीज़ के अगेंस्ट आप कोर्ट में जाके खड़े हो सके कि हमारे ये राइट्स जो है वो वोलेट हुए हैं तो वो क्या हो गया जस्टिसेबल हो गया सेवन कैटेगरीज के अंदर जो है वो फंडामेंटल राइट्स आते हैं जो कि आर्टिकल ट्वेल्व से लेके आर्टिकल थर्टी फ के अंदर होती है आर्टिकल्स के नंबर जो है वो आपको अच्छे तरीके से याद रखें सभी फंडामेंटल राइट्स के ठीक है आर्टिकल ट्वेल्व से शुरू करते हैं तो इस पार्ट में जो है बेसिकली जो स्टेट है उसकी डेफिनेशन दी गई है कि स्टेट होता क्या है तो देखिए हमारा गवर्नमेंटल और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है उसमें लेजिस्लेशर जो है हम खाली ये नहीं कि सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं लोकसभा राज्यसभा की जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो सब भी इंक्लूड होती हैं स्टेट की डेफिनेशन में आती है उसी के अलावा जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ होती है और वैसी अथॉरिटीज़ होती है जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आती है या फिर गवर्नमेंट इंडिया के कंट्रोल में होती है उन सब को स्टेट की डेफिनेशन में रखा गया है और ये डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है ऐसा नहीं स्टेट की बात है तो आप खाली पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर को करिए डिफरेंट जो लोकल अथॉरिटीज है या फिर जो गवर्नमेंट के इंडिया के अंदर अथॉरिटीज है जो इंडियन टेरिटरी के अंदर आते हैं वो सभी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी वहीं पे आर्टिकल 13 को हम देखते हैं तो जो लॉज इनकंसिस्टेंट होती है या फिर फंडामेंटल राइट्स के साथ डेरोग्रेशन में होती है वो सारी जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंक्लूड होंगी तो ओल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमिजिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन दे आर इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट एंड एक्सटेंट ऑफ सच इनकन्सिस्टेंसी कैन बी वर्ड तो मतलब कि जो भी लॉज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले भी जो बन चुकी थी वो हमारी कंट्री के अंदर फॉलो होंगी और उनको हम वोट जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं तो शेल जो स्टेट है वो शेल नोट मेक एनी लो विच टेक्स अवे और एवरीज द राइट कन्फर्म बाय दिस पार्टी इन्होंने कहा है कि स्टेट जो है वो कोई ऐसी लोन नहीं बना सकती है जो लोगों से उनके फंडामेंटल राइट्स को ले सके अगर ऐसा किया जाता है तो उस सिटीजन के पास पूरा राइट है कि वो कोर्ट में जाके अपनी जो भी कंप्लेन है वो बता सकता है इस आर्टिकल के अंदर जो है वो बेसिकली लो क्या कहा गया है देखिए लॉस क्या क्या इंक्लूड की गई है जितने भी ऑर्डिनेंसेस होते हैं ऑर्डर्स होते हैं बाय लो रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन कस्टम्स जो भी होता है वो सभी लो के अंदर आता है मतलब कि इन सारे तरीकों से जो है किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स किसी भी सिटीजन का लिया नहीं जा सकता है और लॉज इन फोर्स का मतलब क्या होता है कि जो लो पास हो चुकी है लेजिस्लेचर के थ्रू वो क्या होगी लॉज इन फोर्स मतलब कि कोई भी ऐसी लो फोर्स में भी अगर है जो फंडामेंटल राइट्स को ले रही है सिटीजन के तो वो अव करार कर दी जाएगी ऑर्डिनेंस और यही हो गया तो एक चीज और देखनी है आपको जो लास्ट पॉइंट है ये फोर्ट नथिंग इन दिसल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिसल तोलेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं आती है आर्टिकल थ्री एट के अंदर मतलब जो लॉज फंडामेंटल राइट के लिए बनाई जाएंगी वो आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट के अंदर अमेंडमेंट के थ्रू देखी नहीं जाएगी अभी तक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए न्यू है और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे पॉलिटी में अभी हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं अब हम एमसीक्यू के ऊपर आते हैं विद रेफरेंस टू नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट वन इज इट विल बी चेयर बाई मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बी इट सजेस्ट मेजर टू फोस्टर अ कल्चर ऑफ इनोवेशन अमंग अमंगजन एंड स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर एंड थ्री इज इट मोबिलाइज ग्लोबल कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडियन स्टार्टअप्स तो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के बारे में पूछा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, के थ्रू इसको चेयर किया जाता है ये वो सारे मेजर्स को सजेस्ट करते हैं जो कि एक इनोवेशन का कल्चर सिटीजन्स और स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो फोस्टर कर सके और एक ग्लोबल कैपिटल को मोबिलाइज़ कर सके ताकि इंडियन स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सके तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सामने हैं आपके सामने ऑप्शंस हैं ए इज़ वन एंड टू ओनली बी टू एंड थ्री सी वन थ्री एंड डी वन टू थ्री तो एक बार आप स्टेटमेंट और देख लीजिए ये ऑप्शंस है आप इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे कल की जो मेरी वीडियो होगी इंग्लिश एंड पॉलिटी की उसमें मैं आपका नाम अनाउंस करूंगी तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू सो मच